1 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्यों का सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने किया भूमि पूजन। वार्ड क्रमांक 39 में 60 लाख की लागत से बनने वाले सीसी रोड एवं वार्ड क्रमांक 37 में 52 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने किया। वार्ड क्रमांक 39 में 60 लाख की लागत से टीलाखेड़ी स्कूल से मेन रोड आशीष मंगल वाटिका बाईपास तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन और वार्ड क्रमांक 37 में पूरनपुरा में 52 लाख रुपए की लागत से सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा एवं वार्ड पार्षद शैलेंद्र भदौरिया दीपक कुशवाहा द्वारा किया गया। नंबर 2 के पार्षद भाई कपिल साहू जी, बाला भैया, हमारे आशीष मोहता जी, महेश्वरी जी, मानवेन जी, उपस्थित सभी वार्डवासी, आज बहुत विशेष कार्यक्रम जो दीपक कुशवाहा जी द्वारा रखा गया था यहाँ पर भूमि पूजन का, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ, सबसे ज्यादा काम इन्हीं के वार्ड में कर रहे हैं। इतने ज्यादा काम पूरे शहर में कहीं नहीं हो रहा है जितने ज्यादा वार्ड नंबर 39 में काम कर रहा है। चाहे वार्ड हमारा टीड़ा खेड़ी वाला टेंडर भी हो गया, ये भी यार खुशी की बात है, ये भी पास हो गया, लगभग 2.5 करोड़ का ये टेंडर है, 5 करोड़ का नाला बन ही रहा है और भी छोटे मोटे काम करके मुझे लगता है शायद इस वार्ड में लगभग आज 8-10 करोड़ के काम एक साल के अंदर अंदर हो जाए। और हमारी पूरी परिषद में लगी है कि शहर की जितनी भी समस्या है, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे नालों की समस्या हो, चाहे तुम्हारा अपना चोरघाट नाले की समस्या हो, बेतवा की समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हमारी परिषद ने जिस पर काम न किया। कुत्तों की समस्या, सुअरों की समस्या, छोटी से लेकर बड़ी समस्या सब पे हमारी परिषद काम कर रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि शहर का चप्पा चप्पा बन जाए और सभी लोग, मतलब जितनी भी पुरानी पुरानी परेशानी है, 10-10, 20-20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी जो भी समस्याएं है, सब पे हमारी परिषद, मतलब मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, सब हमारी परिषद काम कर रही है और सारे पार्षद जो है काम के प्रति लेके बहुत सजग है। मैं सभी को पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम चाहेंगे कि हमारी परिषद जो है ऐतिहासिक हो, कि काम इतने हो जाएंगे शहर में पूरा कोई काम ही नहीं बचे। तो आप सब लोगों का सहयोग ये चाहिए हमें कि साफ स्वच्छ रहे, उसमें आप लोग कचरा जो है सोच समझ के डाले। मैं देखता हूँ कि लोग फेसबुक पे लिखते हैं कचरा डला है, उस पर वो फेसबुक पे डाल रहे हैं कि ये कचरा डला है। अरे जो आदमी फेसबुक पे डाल रहा है वो थोड़ा ये विचार करे कि वो कचरा वहां क्यों डला, पहले वो उसको रोकने की प्रयास करे। जो लोग वहां कचरा डाल रहे हैं उनको समझाए, फोटो खींच के फेसबुक पर डालने से नगर पालिका का ये बताने, नगर पालिका की ड्यूटी ये नहीं है कि आप चार कचरा डालो वहां से उठाए, जो नियत जगह पे है आप वहां कचरा डालिए। अगर 2 दिन गाड़ी नहीं आ रही तो 2 दिन आप कचरा को संभाल कर रखिए, और गाड़ी अगर नहीं भी आती है तो आप खबर करें, पार्षद को खबर करें, लेकिन इधर उधर कचरा ना फेंके। अभी